हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मिस्ट्री डिकोडर्स के एक और नए एपिसोड पे। और सबसे पहले हम आपसे इतने दिनों बाद वीडियो लाने के लिए माफ़ी चाहेंगे। अब से हम हर हफ्ते एक नया वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आपको हमने इससे पहले कई अर्बन लेजेंड्स, भूत, प्रेत और भी कई सारे रहस्यमयी प्राणियों तथा घटनाओं के बारे में बताया था। और आज हम आपके सामने एक ऐसी भयानक और रहस्यमयी जगह जिसका नाम है पोविगला आइलैंड के बारे में बताने जा रहे हैं, जहाँ के लोगों का मानना है कि यह एक श्रापित आइलैंड है और कई दशकों से वीरान पड़ा है। हम आपको वहाँ घूमने गए कुछ टूरिस्ट के साथ घटे बिल्कुल सत्य और भयानक घटना के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि उनके द्वारा रेडिट पर शेयर किया गया है। और आप चाहें तो पूरी स्टोरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर पढ़ सकते हैं। तो अब आगे की कहानी उन्हीं में से एक टूरिस्ट के नज़रिए से। तो यह घटना हमारे साथ 2013 में घटी थी, जब हम लोग यूरोप घूमने गए थे। और लगभग पूरा यूरोप घूमने के बाद हम वेनिस घूमने चले गए। और एक बात दोस्तों, इन सब घटनाओं में मैं अपना और अपने साथियों का नाम बदल कर बताऊंगी। उस ट्रिप में मैं, मारिया, मेरा मंगेतर जेम्स, मेरा भाई जॉर्ज और मेरी एक दोस्त एना और उसका हस्बैंड गए थे। और इसी बीच अगर मैं पोविगला आइलैंड के बारे में थोड़ा आपको बताऊं, तो यह एक भूतिया आइलैंड है वहां के लोगों के अनुसार। इसके अलावा वहां के लोगों का ऐसा भी कहना है कि यह आइलैंड हमेशा से ही भूतिया नहीं था, बल्कि जब पूरी दुनिया में प्लेग का कहर बरप रहा था, तब इसी आइलैंड के हॉस्पिटलों में प्लेग के करीब 1.5 लाख से ज़्यादा मरीजों की तड़प तड़प कर मौत हो गई। और इसके बाद इस आइलैंड के हॉस्पिटल्स को मेंटल असाइलम में तब्दील कर दिया गया, जिसके बाद यहाँ आए एक सरफिरे डॉक्टर ने अपने पागलपन के कारण यहाँ आए पेशेंटों को टॉर्चर करके उनको मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया। और इसके बाद एकदम रहस्यमय ढंग से वह डॉक्टर भी खुद कहीं गायब हो गया। और तब से यहाँ आने वाले हर टूरिस्ट का ऐसा कहना है कि यह आइलैंड भयानक तरीके से हॉन्टेड है, और इसीलिए कई बार वहां के सरकारों द्वारा इस आइलैंड पर जाना भी प्रतिबंधित कर दिया गया। पर फिर भी कई लोग चोरी छुपे इस आइलैंड में घूमने के लिए चले जाते हैं, पर फिर वहां से कभी भी जिंदा वापस नहीं लौट पाते। पर जो भी हो, इतना भयानक आइलैंड होने के बावजूद इसे देखने पर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। चारों ओर हरे भरे पेड़ और इसके बीच से जाती पगडंडियां और ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स पर काई और जंगली पेड़ों का जमा हुआ होना देखने में जितना शांत और जितना सुंदर लगता है, पर असल में ये उतना ही भयानक है। खैर, जो भी हो, इसी बीच हम एक दिन एक बोट पर सवार होकर कहीं जाने लगे। वह बोट वहाँ के एक लोकल मछुआरे का था, पर फिर भी पता नहीं कैसे जॉर्ज और एना का हस्बैंड मार्क उससे आपस में बात कर उस मछुआरे को कहीं जाने के लिए मना लेते हैं। कहाँ यह हमें नहीं पता था। खैर, जो भी हो, तो हम सब बोट में चढ़ते हैं और वहाँ जाने के लिए निकल जाते हैं। मैंने नोटिस किया कि जॉर्ज हल्का हल्का स्माइल कर रहा था। इतने महीनों में उसे स्माइल करते मैंने पहली बार देखा था, पर कारण तभी मैंने चिल्लाते हुए उसका कॉलर पकड़ लिया और बोलने लगी कि क्या हम उस मनहूस आइलैंड की ओर जा रहे हैं। तो उसने सीरियस होकर कहा, हाँ, उस मनहूस आइलैंड के बारे में हम सब जानते थे और हमें सब पता था। और इसके अलावा जॉर्ज को यह भी पता था कि मुझे इन सब चीज़ों से बहुत डर लगता है और इन चीज़ों पर पूरा विश्वास है। पर फिर ये दोनों बेवकूफ़ कैसे मुझे उस मनहूस टापू पर ले जा सकते हैं। और यह सब कहकर मैं जॉर्ज के ऊपर चिढ़ते हुए चिल्लाने लगी, पर फिर भी इन सब चीज़ों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं यह जानती थी। और इसके कुछ ही देर बाद हम उस आइलैंड पर पहुंच गए और हमें वहां पहुंचाकर वह नाव वाला तुरंत पैसे लेकर वहां से भाग गया। तब तक सूरज भी ढलने लगा था और अंधेरा भी होने लगा था। और यही नहीं, हम वहां कुछ भी लेकर नहीं गए थे, मतलब हमारे पास वहां ना के बराबर ही कुछ ज़रूरी सामान था। कुछ चिप्स के पैकेट, कुछ सिगरेट्स के पैकेट, कुछ फॉल्स और कुछ टी शर्ट्स, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। और इन्हीं में हम इन सब सामानों को इकट्ठा करके उन बड़े बड़े बिल्डिंग्स पर जाने लगे।
उन बिल्डिंग्स में से एक बिल्डिंग में जाने के बाद एक जगह को साफ कर कर हम वहाँ एक गोला बनाकर बैठ गए। वहाँ आग तो जलने नहीं वाली थी क्योंकि बाहर बहुत तेज आंधी तूफान हो रखी थी। हम एक साथ जितनी देर बैठे थे उतनी देर हमें उस घुप अंधेरे में भी बिल्कुल डर नहीं लग रहा था, पर फिर अचानक इसके कुछ देर बाद मेरी आंख लग गई, मुझे पता ही नहीं चला कब। थोड़ी देर बाद मेरी आंख खुली तो पता नहीं क्यों पर मुझे बहुत असहज सा महसूस हो रहा था। अंधेरे में कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, पर फिर कुछ देर बाद जब मेरी आंखें उस अंधेरे में एडजस्ट हुई तो मैंने देखा कि मैं एक बेड पर लेटी हुई थी और मेरे हाथ पैर और गले में बहुत जोर से कोई चीज बंधा हुआ था। और फिर जब मैंने अपने आंखों के मूवमेंट से इधर उधर देखने की कोशिश की तो मैंने अपने से कुछ ही दूर एक व्यक्ति को चांद की रोशनी में देखा। वह कोई डॉक्टर लग रहा था क्योंकि उसके गले में स्टेथोस्कोप लटका हुआ था। यही नहीं, वह एक एप्रोन भी पहना हुआ था। पर जो चीज मुझे यह सोचने पर मजबूर कर रही थी वो ये थी कि उसकी एक लंबी सी चोंच थी, किसी चिड़िया की चोंच जैसे। पता नहीं मैं वहां कैसे पहुंची, मेरे बाकी साथी कहां और कैसे हैं, और यह चीज यहां कैसे आया। ऐसे ही हजारों सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे कि तभी मैंने देखा कि वह चीज अब मेरी ओर आ रही थी। मैंने ये देखते ही तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। डर तो इतना लग रहा था मानो कि मेरे शरीर में खून हो ही ना। और इसी बीच वह चीज मेरे पास आकर मुझे घूरकर एक अंधेरे गलियारे में चला गया, और उसके वहां से जाते ही मैं तुरंत अपने हाथ पैर छुड़ाने की कोशिश करने लगी, जिसके कारण मेरे पूरे हाथ और पैर से खून निकलने लगा। पर फिर भी मैंने अपनी कोशिश जारी रखी और इत्तेफाक से मेरे एक हाथ का पट्टा खुल गया, जिसके बाद मैंने बाकी के पट्टों को भी खोलकर वहां से भागने लगी। इसके अलावा अपने साथियों को भी खोजने के बारे में सोचने लगी। और इसी बीच मैं उस अंधेरे से गलियारे में पहुंच गई जहां की वह चीज या जो कोई भी हो वह कुछ ही देर पहले गया था। मैं उस गलियारे में थोड़ा आगे बढ़ी ही थी कि तभी मुझे मेरे भाई जॉर्ज के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। उसकी आवाज़ सुनकर ऐसा लग रहा था कि वह काफ़ी दर्द और तकलीफ में है, और इसीलिए मैं भी उसे ढूंढते ढूंढते रोने लगी और चीखने और चिल्लाने लगे, यह सोचे बिना कि मेरे चिल्लाने से शायद वह जीव फिर मेरे पास आ सकता है। और उसे जब मैं खोज रही थी तभी उसकी आवाज़ एकदम से बंद हो गई, और उसे खोजते खोजते मैं एक कमरे में जा पहुंची, और मैंने वहां जो चीज़ देखी वह शायद मैं अपनी पूरी ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। दरअसल उस जगह में मैंने देखा कि एक टेबल में 6 लोग जिनका कि चीड़ों की चोंच जैसा सर था, वह एक बॉडी को काटकर अलग कर रहे थे और वह भी जिंदा। यह सब देखकर मैं वहीं पर फूट फूट कर रोने लगी और चिल्लाने भी लगे, क्योंकि वह बॉडी किसी और की नहीं मेरे भाई की थी। और मुझे वहां देखकर वह लोग भी एकदम से शांत होकर मुझे ही घूरने लगे। उनके हाथों में कई खतरनाक हथियार थे जिसकी मदद से शायद उन्होंने मेरे भाई को मारा होगा, और अब बारी मेरी थी। और इसके तुरंत बाद उन्हीं में से 2 लोग वहां आते हैं। उन दोनों में से सड़ हुई मांस की बदबू आ रही थी, और वह दोनों मेरा हाथ पकड़कर मुझे घसीटते हुए उस कमरे पर ले जाते हैं जहां पहले मैं बंधी हुई थी, और मुझे वह अब और जोर से बांध देते हैं। वह पट्टे मुझे इतने जोर से बंधे हुए थे कि मुझे बहुत ज़्यादा ही दर्द होना शुरू हो गया, और मैं वहां रोने और बिलखने लगी। पर वह लोग नहीं रुके और मुझे वहां बांध कर वहां से चले गए। मैं वहीं पड़े पड़े रोने लगी, और पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। जब कुछ देर बाद मेरी आंख खुली तो मैंने बहुत अजीब चीज नोटिस की। मेरे हाथ खुले हुए थे और वह लोग वहां पर नहीं थे। देर ना करते हुए मैं वहां से तुरंत उठी। मैं धीरे धीरे अपने आसपास में बने दूसरे बिल्डिंग्स पर अपने साथियों को ढूंढने लगी कि इसी बीच खोजते खोजते मैं एक दूसरे बिल्डिंग पर पहुंच गई, और उस बिल्डिंग को खोजते खोजते मुझे एक लाइटर मिला जो कि पूरी तरीके से ठीक था। और इसके बाद मैंने इधर उधर से थोड़ी लकड़ियां और टहनियां जमा कर लिया, क्योंकि अब फिर से धीरे धीरे अंधेरा होने लगा था। और केवल यही नहीं, इसके साथ साथ मेरा डर भी अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, और मैं करीब करीब हिम्मत हार चुकी थी और यह सोचने लगी थी कि शायद आज ही मेरी जिंदगी का आखिरी रात है। पर फिर भी उसी बिल्डिंग्स के एक किचन में
मैं थोड़ा आग जलाकर वहीं एक कवर्ड में छुप गई और धीरे धीरे रात भी गहरी होती गई। बिल्डिंग के बाहर से फिर से मुझे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देनी शुरू हो गई। इसके अलावा मैं यह भी समझ चुकी थी कि इस पूरे आइलैंड में मेरे अलावा और कोई भी नहीं है। केवल यही नहीं, कल जो लोग मुझे वहां पकड़ कर रखे हुए थे वे लोग जिंदा थे ही नहीं, बल्कि वही प्लेग डॉक्टर्स रहे होंगे जो पहले ही यहां प्लेग फैलने से तड़प तड़प कर मर गए होंगे, और यह सब शायद उन्हीं लोगों की आत्मा होगी। केवल यही नहीं, मेरे दोस्त भी शायद अब जिंदा नहीं बचे होंगे। यह सब मैं सोच ही रही थी कि तभी उसी बिल्डिंग के बाहर से कुछ लोगों के कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। वह मेरे साथी तो बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि अगर वो मेरे साथी होते तो वह मुझे जरूर पुकारते। और इसी बीच वो कदमों की आवाज भी अब धीरे धीरे मेरे करीब और करीब आती जा रही थी। और केवल यही नहीं, मुझे ऐसा भी लग रहा था कि वह जो कोई भी हो उसे अच्छी तरीके से पता है कि मैं वहीं पर थी। और तभी मैंने दरवाजे के टूटने की आवाज सुनी जो कि उसी किचन की थी, और अब मैं इतना ज्यादा डर गई थी कि मैं वहां से भागने के बारे में सोचने लगी। और इसके अलावा मैं भागूंगी फिर तो कहां, क्योंकि यह आइलैंड पानी के बीच में ही है। फिर भी मैं वहां से निकलकर भागने लगी, अपने आगे पीछे कुछ भी देखे बिना। बाहर बहुत ही तेज बारिश हो रखी थी, पर फिर भी मैं जंगल के रास्ते होते हुए वहां से भागने लगी जहां से हम इन बिल्डिंग्स की ओर आए थे, यह सोचकर कि कोई अगर इस जगह के आसपास से जाता है तो वह मेरी हेल्प जरूर करेगा। पर भागते भागते मुझे मेरे पीछे किसी और के रोने और चिल्लाने की आवाज आने लगी, और अब एक अजीब सी आवाज भी मेरे सामने लगातार आती जा रही थी। पर मैं लगातार भागते भागते वहीं पहुंच गई जहां से हम इसी आइलैंड पर पहुंचे थे। पर मैं वहां पहुंच तो गई, पर अब मुझे वह आवाज जो कि मेरे पीछे से आ रही थी वह अब पूरे जंगल से आ रही थी और धीरे धीरे तेज हो रही थी। और इसके अलावा अब मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे उस जंगल से लगातार घूरे जा रहा है, और मैं अब एक ऐसी जगह पर खड़ी थी जहां से मुझे तो कुछ दिखाई दे नहीं रहा था, क्योंकि चारों ओर जंगल था। पर जंगलों की ओर से मुझे कोई भी देख सकता था, क्योंकि जहां मैं खड़ी थी वह एकदम सी खाली जगह थी। और इसी में मैं वहां खड़े खड़े रोने लगी, और अब मुझे पता चला कि अब मैं शायद उन लोगों से या वह जो कोई भी है उनसे नहीं बच पाऊंगी। मेरे पूरे शरीर में जगह जगह कटे के घाव थे और मैं बहुत थक गई थी और अब एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती थी। पर फिर भी मैं मदद के लिए चिल्लाने लगी। मुझे यह पता था कि मुझे बचाने के लिए वहां कोई नहीं आएगा, पर फिर भी मैं चिल्लाने लगी। और इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसका मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। मुझे मेरे पीछे एक रोशनी आती दिखाई दी जो कि धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। कुछ ही देर में वह रोशनी मेरे पास आ गई, और उस तेज रोशनी में मैं कुछ देख पाती इससे पहले ही एक महिला मुझे खींचकर अंदर कहीं ले गई। जब मेरी आंखें थोड़ी एडजस्ट हुई तो मैंने देखा कि वह एक बूढ़ी औरत थी जो मुझे अपने बोट पर कहीं ले जा रहे थे। और मुझे डरा हुआ देख और ठंड से कांपता हुआ देखकर वह बूढ़ी औरत आई और कंबल देते हुए कुछ कहने लगी। और जब उन्होंने देखा कि मुझे उनकी भाषा समझ में नहीं आ रही है, तब उन्होंने मुझसे कहा सेफ सेफ, जिसके बाद मैं समझ गई कि अब मैं सेफ हूँ। और इसी बीच कुछ देर बाद वह बोट एक डॉक पर जाकर रुकती है, जहाँ मैंने देखा कि मेरे सारे साथी वहाँ बहुत ही टेंशन में खड़े हुए थे, और मुझे देखकर वे लोग काफी खुश हो गए और मुझ पर गुस्सा करने लगे कि मैं कहाँ चली गई थी। जब मैंने उन्हें पूरी बात बताई, और यह भी कि हम सब वहाँ गए थे जहाँ पर जॉर्ज को अजीब से दिखने वाले जीवों ने मार दिया था और मैं उन्हें दो दिन से लगातार ढूंढ रही थी, तो फिर उन्होंने मुझे इसके बाद जो बताया उसके बाद मैं खुद आश्चर्य में पड़ गई। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ कभी हुआ ही नहीं था, बल्कि हम लोग कहीं डिनर करने गए थे जहाँ पर मैं वॉशरूम के बहाने वहाँ से निकलकर एक लोकल मछुआरे को कुछ पैसे देकर कहीं निकल गई। और जब वह मछुआरा इस आइलैंड के सामने से होते हुए जाने लगा तभी मैं उस बोट से कूदकर उस आइलैंड पर पहुंच गई, और उस मछुआरे के बुलाए जाने के बावजूद मैं वहां से जाने के लिए उसे मना करने लगी, और उसी मछुआरे को हम खोजते खोजते पूरा मामला जान पाए। और तुम्हें वहां खोजने के लिए इन दो लोगों को हमने ही भेजा था। खैर जो भी हो, इन सब घटनाओं के बीत जाने के बाद
हम 1 से 2 दिन और वेनिस में जाकर रुके और फिर वहां से चल दिए। पर फिर भी मेरी इन बातों पर कोई भी विश्वास नहीं कर रहा था। और यही नहीं, उन्होंने तो मेरा कई मेडिकल चेकअप भी कराया, पर वो सभी नॉर्मल थे। और धीरे धीरे मैंने भी यह मान लिया कि शायद ऐसा ही कुछ हुआ होगा। पर फिर भी एक डाउट जो कि मेरे मन में अभी भी है, जो यह है कि मुझे तो इटालियन बोलना आता ही नहीं, फिर मैं कैसे उस मछुआरे को इटालियन में बोलकर कहीं पर ले जा सकती हूँ? ये तो पॉसिबल है ही नहीं। यह पूरी घटना अभी भी मेरे लिए एक रहस्य बना हुआ है। पता नहीं असल में क्या हुआ होगा उस दिन। तो दोस्तों, यह घटना रेडिट पर एक्स बैम्बे नाम के एक यूजर द्वारा 8 साल पहले शेयर किया गया था, जिनके अनुसार यह सब घटना एकदम रियल है जो कि उनके साथ उस आइलैंड में घट चुकी थी। और यही नहीं, उनके अनुसार तो वह उस आइलैंड में न केवल 2 रात अकेले बिताई, बल्कि उनका सामना कुछ ऐसे भटकती आत्माओं से हुआ था जो कई सदियां पहले उसी आइलैंड पर प्लेग के कारण तड़प तड़प कर मर गए थे। तो आपका क्या कहना है इस भयानक आइलैंड के बारे में, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। पूरी स्टोरी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा आप चाहें तो गूगल पर पोविग्ला आइलैंड सर्च करके इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय।